बलौदाबाजार हिंसा मामले में पुलिस टीम ने कल भिलाई पहुंचकर स्थानीय विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया। विधायक देवेंद्र यादव के निवास पर करीब 11 घंटे तक चले घटनाक्रम के बाद यह गिरफ्तारी हो पाई है। इस दौरान कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में देवेंद्र यादव के समर्थकों की भीड़ जुटी रही। विधायक देवेंद्र यादव ने अपनी इस गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया है। दिन भर की राजनीतिक गहमागहमी के बीच दोपहर में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज भी वहां पहुंचे। उन्होंने पुलिस के इस कदम के पीछे राजनीतिक साजिश को मुख्य वजह बताई। इस गिरफ्तारी का कांग्रेस पार्टी विरोध करती है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ देवेंद्र यादव की नहीं, ये लड़ाई सतनाम समाज का नहीं, बल्कि निश्चित रूप से सतनामी समाज के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह साथ है और सरकार के विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है, इसका हम विरोध करते हैं। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और विधायकों पर FIR होता है, गिरफ्तारियां होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता के ऊपर नोटिस भी नहीं दिया जाता है, इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर बलौदाबाजार के पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने कहा कि सारी कार्यवाही विधि के अनुरूप ही की गई है। दिनांक 10 जून को जो आगजनी की घटना हुई थी, उसी परिप्रेक्ष्य में प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया था। मामले की जांच पर से साक्ष्य पाए गए थे, उसी आधार पर विधायक श्री देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी की गई और आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय ने पुलिस का रिमांड स्वीकार करते हुए 20 तारीख तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। इधर विधायक देवेंद्र यादव के वकील हर्षवर्धन परगनिया का कहना है कि पुलिस ने बिना FIR के प्रति दिए और बिना कोई वजह बताए गिरफ्तारी की है। भागा साहब CGM साहब हैं, उनकी कोर्ट में आज लाया गया था पुलिस के द्वारा इन्हें अरेस्ट करके, और जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट थे ये हमारे मुवक्किल को ना ही FIR की कॉपी दी गई ना ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दिए गए, जिसके लिए आज उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट के समक्ष अपना स्वतंत्र एक पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा ना ही किसी प्रकार से कोई किसी दुष्भावना से कोई स्टेटमेंट दिया गया है कि ना, ये पूरी एक राजनीतिक अरेस्ट है। उन्होंने कोर्ट के समक्ष ये बताया कि उन्हें किस प्रकार से बिना FIR की कॉपी दिए बिना किसी कारण बताए पुलिस आज अरेस्ट करके लेके आई है, और न्यायालय ने भी उनके सारे चीज़ों को सुनने के बाद रिकॉर्ड करके जो पुलिस की दरख्वास्त थी कि उन्हें एक जुडिशियल रिमांड की ज़रूरत है ना कि पुलिस रिमांड की, तो उन्हें जुडिशियल रिमांड पर सुपुर्द किया। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी की निंदा की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर राजनीतिक द्वेष की भावना से काम करने का आरोप लगाया है। जिस ढंग से देवेंद्र यादव को गिरफ्तार करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने रचा है, ये अत्यंत दुखद है। बलौदाबाजार में हुई घटनाएं न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए वरन पूरे देश के लिए एक ऐसी घटना है जिसमें पूरे समाज को झकझोर दिया है, खास करके सतनामी समाज को। ये एक ऐसी घटना है जिसे समाज को बांटने के उद्देश्य से किया गया ऐसा लगता है। ऐसी घटनाओं में राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की ओर इशारा करना चाहती है कि यह घटना कांग्रेस के द्वारा प्रेरित थी, जो अत्यंत दुखद है, गलत है। इस गिरफ्तारी के दौरान विधायक निवास पर दिनभर कांग्रेसियों का हुजूम लगा रहा। समर्थक लगातार नारेबाजी करते रहे और यहां कानून व्यवस्था को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया।